हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के स्टूडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पंज आयरन प्रोडक्शन के बारे में, जिसको कि DRI भी बोलते हैं, डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन। ये एक अल्टरनेटिव रूट है आयरन प्रोडक्शन का, ठीक है। तो ब्लास्ट फर्नेस के अलावा जो भी रूट है आयरन प्रोडक्शन का, उसको हम अल्टरनेटिव रूट ऑफ आयरन प्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है। उसमें से एक है DRI, ठीक है, डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कोल बेस्ड जो DRI है ना उसके बारे में पढ़ेंगे, जो रोटरी किलन होता है, जहाँ वहाँ से कैसे स्पंज आयरन बनता है, ठीक है। उसका डिज़ाइन क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, क्या रॉ मटेरियल होता है, एवरीथिंग आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपको ऐसा वीडियो और यूट्यूब में नहीं मिलने वाला है। नॉर्मल आपको ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जहाँ पे किलन आपको देखने को मिल जाएगा, बट जो मैं आपको बताऊँगा पूरा है ना, प्रिंसिपल से लेकर के उसका वर्किंग और एवरीथिंग आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखो, ये आपको जो दिख रहा है ना फोटो में, यही है DRI, या इसको बोलते हैं स्पंज आयरन भी बोलते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले देख लेते हैं थोड़ा बहुत अल्टरनेटिव रूट के बारे में, ठीक है। उसमें से एक अल्टरनेटिव रूट है डायरेक्ट रिडक्शन, ठीक है। तो डायरेक्ट जो रिडक्शन प्रोसेस होता है, उसमें जो भी चार्ज मटेरियल होता है वो सॉलिड के फॉर्म में डालते हैं, और जो हमारा जो प्रोडक्ट मिलता है वो भी सॉलिड के ही फॉर्म में मिलता है, ठीक है। मेन यहाँ पर चार्ज मटेरियल आपका क्या होता है, एक होता है ओर, ठीक है, जिसमें लंप ओर भी होता है और पैलेट्स भी होता है, ठीक है, आयरन और पैलेट्स। दूसरा होता है नॉन कोकिंग कोल, ठीक है, नॉन कोकिंग कोल होता है, और होता है डोलोमाइट, फ्लक्स के फॉर्म में हम डालते हैं, ठीक है। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है ना रिडक्शन का प्रोसेस, वो पूरा सॉलिड फॉर्म में होता है, यहाँ पे लिक्विड बिल्कुल भी नहीं बनता है, ठीक है। अब ये जो डायरेक्ट रिडक्शन प्रोसेस होता है ना, वो सॉलिड बेस्ड भी होता है, जिसको हम कोल्ड बेस्ड बोलते हैं, और एक गैस बेस्ड होता है, ठीक है। तो जो गैस बेस्ड होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं सॉफ्ट फर्नेस, फ्लूडाइज्ड बेड, रिटॉर्ट, है ना। और जो कोल्ड बेस्ड DR होता है, मतलब कोल्ड बेस्ड डायरेक्ट रिडक्शन होता है, उसके लिए हम रोटरी किलन है, रोटरी हर्थ है ना, मल्टी हर्थ फर्नेस है, इन सब का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब देखो, अब बात आती है कि DR जो है डायरेक्ट रिडक्शन प्रोसेस की हमको ज़रूरत क्यों पड़ी, जब हमारे पास पहले से ब्लास्ट फर्नेस है, वहाँ से अच्छा खासा प्रोडक्शन हो रहा है, तब हमको ये DR प्रोसेस से अल्टरनेटिव रूट की आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है। देखो, सबसे जो मेन जो है ना, इसका बहुत सारे एडवांटेजेस मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है कोक, ठीक है। आपको पता होगा कि ब्लास्ट फर्नेस को रन कराने के लिए हमको सबसे जो मेन रॉ मटेरियल चाहिए होता है कोक, ठीक है। कोक के बिना आपका ब्लास्ट फर्नेस नहीं चल सकता। अब ये जो कोक है कहाँ से बनता है, ये जो कोक है वो कोकिंग कोल से बनता है, ठीक है। किससे? कोकिंग कोल, या जिसको मेटलर्जिकल कोल भी बोलते हैं, उससे बनता है। अब इंडिया में कोकिंग कोल बहुत कम जगह मिलता है, उसका बहुत कम डिपॉजिट है इंडिया में, ठीक है। झारखंड में है, कहाँ है ना, झारखंड में है बस एक जगह, ठीक है। अब जितने भी कोकिंग कोल का जो डिमांड है ना, हमारे यहाँ जो इंडिया में जो डिमांड है कोकिंग कोल का, वो फॉरेन से आता है। जितना भी कोकिंग कोल का जो ज़रूरत है, ठीक है, वो आपका ऑस्ट्रेलिया से, साउथ अफ्रीका से, न्यूजीलैंड से, और भी दूसरे कंट्री से आता है। तो ये बहुत महंगा पड़ता है, ठीक है, क्योंकि बाहर से आ रहा है, और वैसे भी जो कोकिंग कोल है वो बहुत महंगा पड़ता है ना। तो इस विषय में सोचा गया कि कोकिंग कोल काफ़ी महंगा पड़ता है जब हम लोग ब्लास्ट फर्नेस बनाते हैं, तो क्या हम बिना कोकिंग कोल का यूज़ किए आयरन का प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो यही सोच से क्या आपको अपने को मिला है, DRI प्रोडक्शन, ठीक है, डायरेक्ट रिडक्शन आयरन, ठीक है। अब दूसरा एक रीज़न क्या है कि अपने इंडिया में जो नॉन कोकिंग कोल है, जो नॉर्मल जो कोल होता है, उसका बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ डिपॉजिट है, जिसका उपयोग हम अभी पावर प्लांट में करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, बट उसका उपयोग हम आयरन मेकिंग में नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो उसका यूटिलाइज भी हमको करना है, तो इन सारी चीज़ों को सोच करके जो प्रोसेस बनाया गया, डायरेक्ट रिडक्शन प्रोसेस, ठीक है। डायरेक्ट रिडक्शन प्रोसेस में हमको कोकिंग कोल की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हम नॉर्मल जो नॉन कोकिंग कोल है ना, उसका हम उपयोग करते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मैं आगे, या जो एडवांटेजेस है मैं आपको आगे बताऊँगा, ठीक है। अब ये देखो, जो DR प्रोसेस है ना, उसको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया है। जैसे एक है कोल बेस्ड रोटरी, कोल बेस्ड प्रोसेस यूजिंग रोटरी किलन, इसी के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे अभी, बाकी प्रोसेस को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। आपको नाम बता देता हूँ, एक होता है कोल बेस्ड प्रोसेस यूजिंग अदर टाइप ऑफ रिएक्टर लाइक रोटरी हर्थ फर्नेस, वर्टिकल रिटॉर्ट, ठीक है। इसके अलावा आपका बैच टाइप गैस बेस्ड प्रोसेस होता है ना, जो रिटॉर्ट में हम बैच टाइप प्रोसेस करते हैं, ठीक है। सॉफ्ट फर्नेस में हम कंटिन्यूस गैस बेस्ड प्रोसेस करते हैं, ठीक है। उसके अलावा फ्लूडाइज्ड बेड रिएक्टर होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो DR प्रोसेस के अंदर आती है। इसमें जो सबसे ज़्यादा यूटिलाइज होता है, जो सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन हमको मिलता है, वो यहाँ से मिलता है, कोल बेस्ड प्रोसेस यूजिंग रोटरी किलन,
ठीक है। रोटरी किलन से हम जो DRI प्रोडक्शन करते हैं ना, वो इंडिया में बहुत जगह आपको मिलेगा, ठीक है। बड़े प्लांट के पास भी है, बड़े इंटीग्रेटेड प्लांट के पास भी, और कई सारे छोटे मोटे भी सिंगल प्लांट भी है जिसके पास केवल DRI होता है, वो अपना DRI लेकर के बड़े प्लांट को बेच देते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन आपका अल्टरनेटिव रूट में यही होता है, रोटरी किलन के थ्रू, ठीक है। तो हम इसी को अब डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो देखिए, रोटरी किलन प्रोसेस में क्या होता है, हमारे पास इस तरह से एक रोटरी किलन होता है, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना, इस तरह से सिलेंड्रिकल टाइप का रोटरी किलन होता है, ठीक है। और ये थोड़ा सा इंक्लाइन होता है, इसमें जिधर से हम मटेरियल को फीड कराते हैं वो एरिया थोड़ा सा उठा हुआ होता है, ठीक है, ये वाला पोर्शन। और उसके बाद जो दूसरा पोर्शन होता है वो थोड़ा सा झुका हुआ होता है, ठीक है, इसका कुछ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है। अब ये जो किलन है वो धीरे धीरे घूमता है, ठीक है, ये जो सिलेंड्रिकल शेप का होता है किलन, वो क्या होता है, घूमता है सर्टेन RPM में, ठीक है। तो ये जो हायर साइड है उधर हम अपना रॉ मटेरियल को डालते हैं, ठीक है। हम रॉ मटेरियल में यहाँ पे यूज़ करते हैं ओर को, लंप ओर को, अभी मैं डिटेल से इसके बारे में बताऊँगा, है ना। कोल इस्तेमाल करते हैं हम, और फ्लक्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसको हम डालते हैं यहाँ से हायर साइड से, चार्जिंग साइड से। अब ये जो किलन है क्या है, लगातार घूम रहा है और इंक्लाइन पोजिशन में है, इसलिए जो भी चार्ज मटेरियल हम यहाँ पर इधर से डालते हैं चार्जिंग एंड से, वो धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे घूमने की वजह से, रोटेशन की वजह से और इंक्लिनेशन की वजह से धीरे धीरे नीचे आता है, ठीक है। और इन बिटवीन रोटरी किलन जो होता है ना, इसी के बीच में सारा प्रोसेस होता है, आपका जो आयरन ओर है इसी बीच में आप पूरा रिडक्शन प्रोसेस सब कुछ जो है इन्हीं बीच में होना होता है, ठीक है। अब इसमें जो हम कोल चार्जिंग साइड से डालते हैं, ठीक है, जो भी कोयला हम चार्जिंग साइड से डालते हैं, वो आखिरी तरफ आते आते पूरा जल चुका होता है, राख बन चुका होता है ना, मतलब यहाँ से हम डाल रहे हैं रोटरी किलन के, तो बीच में या बोल सकते हो 70% लेंथ तक आते आते पूरा कोयला जल चुका होता है, ठीक है। तो वहाँ पे कोयले की कमी हो जाती है, वो हीट सप्लाई नहीं कर पाता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डिस्चार्ज एंड से भी कोल्ड डस्ट को हम यहाँ से इंजेक्ट कराते हैं, कोल्ड डस्ट और जो एयर है उसको एक साथ इंजेक्ट कराते हैं इधर से डिस्चार्ज साइड से। तो 70% जो एरिया है उसको कौन कवर करता है, जो इधर से आप कोयला डाल रहे हो चार्जिंग साइड से, और जो 30% एरिया है उसके लिए हम कोल इंजेक्शन कराते हैं डिस्चार्ज एंड से, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा काम करता है, ठीक है। एक्चुअल इमेज आप देख सकते हो, ये आपका रोटरी किलन का इमेज है, इस तरह से रहता है ये, है ना। अभी हम डिटेल से भी इसको देखने वाले हैं, ये है सर्टेन RPM में क्या होता है, घूमते रहता है, ठीक है। और ये थोड़ा सा इंक्लाइन पोजिशन में होता है, इसलिए जब हम चार्जिंग करते हैं ना, तो मटेरियल धीरे धीरे चार्जिंग एंड से डिस्चार्जिंग तक जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा फीचर्स देख लेते हैं। लेंथ इसका होता है 40 to 45 meters। अब देखिए ये जो लेंथ है ना, ये जो बुक है उसमें डिटेल दिया है, काफ़ी पुराना है, अब तो 80 से 90 meters की भी किलन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब तो 80-90 meters का भी किलन आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पे 40 to 45 meters का दिया है, इसी के रिस्पेक्ट में आप लोग समझ जाओ कि वो उससे डबल है, तो सारी चीज़ें इससे डबल ही होगी, ठीक है। तो लेंथ इसका जो है, जहाँ से ये पुस्तक में उठाया गया होगा वहाँ पे क्या है, 40 to 45 meters का लेंथ होता है, लेंथ है। जो एयर ब्लोन है वो है 2000 meters per hour, इतनी स्पीड से हम एयर को सप्लाई करते हैं। चार्जिंग थिकनेस क्या है, 600 mm, मतलब जो किलन है, ठीक है, किलन का जो डाया है, किलन का डाया जनरली है 3 से 4 meters होता है, यहाँ पे 3 meters होता है। तो आपका जो चार्ज थिकनेस है वो कितना होना चाहिए, 600 mm होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको काफ़ी जगह किलन के अंदर खाली रखना है, ताकि जो भी रिड्यूसिंग गैस है वो फ्लो कर सके, ठीक है। तो चार्ज थिकनेस कितना होता है, 600 mm। चार्जिंग रेट आपका 200 tons per day है। कोल रिक्वायर्ड है आपका 1.2 to 1.5 tons, ठीक है, 4 per ton ऑफ आयरन स्पंज आयरन, मतलब 1 ton स्पंज आयरन बनाने के लिए आपको लगभग 1.2 से 1.5 tons की ज़रूरत पड़ती कोयले की, ठीक है। फ्यूजन टेम्परेचर अबो 1200 है। आउटपुट यहाँ पे 100 tons per day है, ठीक है। अब देखो 40 meters का है तो आपको 100 tons per day मिल रहा है, अगर आप इसको डबल कर दो 80 या 90 कर दो वो, तो उस हिसाब से आउटपुट भी बढ़ेगा, ठीक है। आजकल तो जनरली किसी भी प्लांट में 300 से 400 tons per day का रहता ही है कम से कम, ठीक है, 100 tons per day तो काफ़ी कम है। कोल्ड फीड यहाँ पर लगभग 5 से 6 tons per hour लगता है, ठीक है। रेसिडेंस टाइम आपका 7 से 8 घंटा है, मतलब जो मटेरियल को आप चार्जिंग से डिस्चार्जिंग में जाने का जो समय है ना, है ना, पूरा डिस्चार्ज होने का जो समय है वो 7 से 8 घंटा लगता है ना। रिडक्शन टाइम आपका 3 से 4 घंटा है, प्री हीटिंग 3 से 4 है, कोल रिक्वायर्ड है प्री हीटिंग के लिए 60% और बर्नर के लिए 40%,
ठीक है। तो ये सारी फीचर्स हैं, ठीक है। अब देखिए कौन कौन सा रॉ मटेरियल हम DRI प्रोसेस में यूज़ करते हैं। तो पहला है आयरन और लंप, जिसका साइज़ 8 से कितना होता है 20 mm, और मीन साइज़ है 12 mm, मतलब जो एवरेज साइज़ जो हम यूज़ करते हैं ना वो 12 mm है। हालांकि इस 8 से 20 mm का साइज़ जो है हम जनरली डालते हैं। जो पैलेट होता है आयरन और पैलेट, उसका साइज़ 6 से 22 mm है, और जो प्रीफर साइज़ है वो 9 से 16 mm प्रीफर किया जाता है। और जो लाइम स्टोन है वो 1 से 4 mm, और नॉन कोकिंग कोल 10 से 40 mm के साइज़ में हम डालते हैं। अब थोड़ा सा देख लेते हैं रॉ मटेरियल की क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, है ना, DRI के लिए, रोटरी किलन के लिए। तो सबसे पहला कोल, ठीक है। तो कोल बहुत ही इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है। कोल ही क्या करता है आपका, एज ए फ्यूल काम करता है, हीट सप्लाई करता है कोल, ठीक है, जलता है तो इससे हीट निकलता है, और यही मेन रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जो कोल में जो कार्बन है वो बर्न होता है आपका अंदर में, है ना, अगर ये कंप्लीट बर्न होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, यही कार्बन डाइऑक्साइड वापस से रिएक्शन करता है कार्बन से और इससे बनता है CO, ठीक है। तो ये CO बनने के लिए कार्बन की रिएक्टिविटी, जो कोल की रिएक्टिविटी है वो हाई होनी चाहिए, तभी जाकर के वो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन का रिएक्शन होता है और वो CO बनता है, क्योंकि CO ही अपना मेन रिड्यूसिंग एजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड तो रिड्यूसिंग एजेंट है नहीं, ठीक है। तो कोयला ही क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है। अब कोयले की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए भाई, तो कोयले में फिक्स्ड कार्बन आपका ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, ऐश कंटेंट कम होना चाहिए, वोलाटाइल मैटर उसका कम होना चाहिए, ठीक है, और इसके अलावा रिएक्टिविटी हाई होनी चाहिए और फ्यूज़न टेम्परेचर भी हाई होनी चाहिए, ठीक है, ये सारी रिक्वायरमेंट होता है। इसके अलावा जो सल्फ़र कंटेंट है कोल में वो कम होना चाहिए। पहले जो कोल भी, जो कोल होता है ना, उसका पहले एनालिसिस कर लेते हैं, पूरा अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस, अल्टीमेट एनालिसिस, इसके अलावा इसके स्ट्रेंथ टेस्ट, सब कुछ हम पहले कर लेते हैं, ठीक है। तो अच्छी क्वालिटी का कोल की हमको ज़रूरत पड़ता है। सल्फ़र और फास्फोरस कंटेंट भी कम होना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा सल्फर फास्फोरस होगा DRI में उतना ज़्यादा पिकअप होगा, ठीक है, और DRI में ज़्यादा सल्फर और फास्फोरस होगा तो अल्टीमेटली वो स्टील मेकिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सेकेंड आपका रॉ मटेरियल है आयरन ओर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे DRI प्रोडक्शन में क्या होता है, जो आपका आयरन ओर है पूरा सॉलिड फॉर्म में हम डालते हैं और हमको प्रोडक्ट भी सॉलिड फॉर्म में निकलता है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी लिक्विड तो बनता नहीं है, कोई स्लैग तो बनता नहीं है, तो क्या होता है आयरन ओर में जितना भी गैंग होता है ना वो DRI के साथ ही निकलता है, ठीक है, मतलब गैंग रिमूवल यहाँ पे होता भी नहीं है, ठीक है। तो गैंग रिमूवल नहीं होता है, इसका मतलब क्या है, आपको अच्छी क्वालिटी का आयरन ओर इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। अगर लो ग्रेड आयरन ओर आप इस्तेमाल करोगे जिसमें गैंग बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो क्या होगा, गैंग तो यहाँ रिमूव होता नहीं है, पूरा गैंग किस में जाएगा, DRI में जाएगा, ठीक है, फिर वो बाद में स्टील मेकिंग में जाके प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। तो पहले से ही गैंग आयरन ओर में कम होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो आयरन ओर में जो गैंग होता है ना, वो जो प्रोडक्ट होता है किलन में, वहाँ पे उसका और परसेंटेज बढ़ जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है आयरन ओर से, क्या होता है ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है, इससे आयरन ओर का वेट जो है ना 30% जो है घट जाता है, ठीक है, क्योंकि उससे ऑक्सीजन अलग हो जाता है। अब जितने भी गैंग है वो तो गैंग तो उसमें बने रहे हैं, गैंग तो रिमूव होता नहीं है, तो गैंग का परसेंटेज ना 1.4 टाइम बढ़ जाता है, ठीक है। इसलिए अच्छी क्वालिटी का ओर यूज़ करना ज़रूरी है, जितनी अच्छी क्वालिटी का हो सके। इसके अलावा जो फास्फोरस कंटेंट है ओर में बहुत कम होना चाहिए, बिलो 0.03% होना चाहिए, क्योंकि फास्फोरस बिल्कुल भी रिमूव नहीं होता है DRI में, ठीक है, पूरा का पूरा जितना भी फास्फोरस रहेगा वो DRI के साथ जाता है। इसके अलावा सल्फर भी कम से कम होना चाहिए 0.02%, ठीक है, क्योंकि ये भी DRI में चला जाएगा पूरा सल्फर और जाके प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आगे स्टील मेकिंग में। अब बात आती है डोलोमाइट, है ना, डोलोमाइट फ्लक्स। अब आप ये भी पूछ सकते हो कि जब यहाँ पे स्लैग बनता ही नहीं है तो हम फ्लक्स क्यों डालते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका आंसर ये है कि जो डोलोमाइट होता है ना वो सल्फर को ले लेता है, सल्फर के साथ रिएक्शन करके सल्फर को अलग कर देता है। ये जो डोलोमाइट में जो आपका कैल्शियम ऑक्साइड है ना और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सल्फर से रिएक्शन करके कैल्शियम सल्फाइड बनाता है और मैग्नीशियम सल्फाइड बनाता है, ठीक है। तो ये सल्फर को कंट्रोल करने के लिए हम क्या डालते हैं, फ्लक्स डालते हैं, क्योंकि सल्फर एक तो आयरन ओर में कुछ मात्रा में आता है, लेकिन जो मैक्सिमम सल्फर है ना वो कोल से आता है। कोल में लगभग 0.4 to 0.5% तक आपका क्या रहता है, सल्फर होता है, तो बहुत ज़्यादा सल्फर है, अगर ये पूरा DRI में चला गया तो क्वालिटी पूरा ख़राब कर देगा, ठीक है, इसलिए हमको फ्लक्स यूज़ करना पड़ता है। अब फ्लक्स की क्वालिटी कैसे होनी चाहिए, फ्लक्स में मिनिमम आपका 28% कैल्शियम ऑक्साइड होना चाहिए, 20% आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड होना चाहिए, ठीक है, और जो एसिड है वो 6% से कम होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब था रॉ मटेरियल की क्वालिटी, आपको किस टाइप का रॉ मटेरियल आपको रोटरी किलन में यूज़ करना है, ठीक है। अब रोटरी किलन के बारे में थोड़ा सा और हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं।
रोटरी क्लेम का तो ये समझ में आया कि चार्जिंग हम करते हैं, तीनों जो रॉ मेटल मैंने अभी बताया उसका प्रॉपर साइज भी बता दिए, हम यहाँ से चार्ज करते हैं, ठीक है। सारा प्रोसेस इस क्लेम के अंदर होता है, ठीक है। डिस्चार्ज साइड से हम कोल्ड डस्ट भी बर्न करते हैं, ठीक है, ताकि टेम्परेचर पीछे तक मेंटेन हो सके। अब वहाँ से जो DRI अपने को मिलता है ना, जो DRI मिलता है उसको हमको कूलर में भेजना पड़ता है, ठीक है। कूलर क्या होता है, वो भी रोटरी क्लेम के जैसा ही होता है ना, उसमें एयर सप्लाई बिल्कुल नहीं किया जाता, ठीक है, उसको एयर के कॉन्टेक्ट में नहीं लाना है, क्योंकि जो DRI या जो स्पंज आयरन बनता है ना उसका रीऑक्सीडेशन बहुत जल्दी हो जाता है। तो अगर आप जो DRI है उसको हाई टेम्परेचर में बाहर निकाल दिए है ना, अगर हवा के कांटेक्ट में आ गया तो वो DRI वापस से ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जो AFU आपने बनाया ना वापस से AFU बन जाएगा, मतलब पूरे किए कराए पे पानी फिर जाएगी। तो आपको क्या करना है, उसको बचा कर रखना है ना। तो क्या करते हैं, DRI को पहले कूल कर लेते हैं कूलर में ले जा कर के, ठीक है। उसका टेम्परेचर को बिलो 100 डिग्री लाना पड़ता है ना, कूलर में ले जाके उसका टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री लाते हैं, उसके बाद हम फिर उसको बाहर निकालते हैं, क्योंकि अगर हाई टेम्परेचर में आप DRI को बाहर निकालोगे तो तुरंत रीऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है। इसकी टेंडेंसी रीऑक्सीडाइज होने की बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हमको बचा के रखना पड़ता है इसको। तो कूलर में जाता है, कूलर में यहाँ पे प्रॉपर ठंडा होता है, उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं, ठीक है। अलग अलग साइज़ के मटेरियल को अलग अलग भेजते हैं। जनरली जो -3 mm होता है, 3 mm से जो छोटा होता है उसको हम डायरेक्टली यूज़ नहीं करते, उसको हम HBI के लिए भेज देते हैं, हॉट ब्रिकवेटिंग आयरन बनाने के लिए। वहाँ पे उसको ब्रिकवेटिंग करके बड़े बड़े साइज़ का बना लेते हैं, और जो 3 mm से ज़्यादा बड़ा है उसको अलग करके हम इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस या LD कन्वर्टर के लिए भेज देते हैं, ठीक है। अच्छा, इससे पहले कूलर के बाद एक और प्रोसेस होता है, जो कूलर के बाद है ना डस्ट को अलग करने के लिए, ऐश वगैरह को जो राख बना है उसको अलग करने के लिए मैग्नेटिक सेपरेटर की यूज़ करते हैं। तो कूलर के बाद ये मैग्नेटिक सेपरेटर में जाता है, जहाँ से जो भी राख वगैरह जो भी अदर मटेरियल है DRI से अलग कर लेते हैं, और DRI को फिर स्क्रीनिंग करके वहाँ से हम उसको इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस से LD कन्वर्टर में भेज देते हैं, ठीक है। और यहाँ से जो गैसेस बाहर निकलती है ना, जो गैसेस जनरेट होता है CO, CO2, ये सारी जो गैसेस हैं उसको आप ऐसी हवा में छोड़ नहीं सकते, तो उसका उपयोग हम कर लेते हैं। उसको क्या करते हैं, एक बर्निंग चैम्बर होता है, बर्निंग चैम्बर में DRI से जो गैसेस मिल रही है उसको हम जला लेते हैं, ठीक है। तो इसके बर्निंग से हमको एनर्जी मिल जाती है, हीट एनर्जी, इसी एनर्जी का उपयोग करके हम पावर प्लांट भी चला सकते हैं ना। बहुत ज़रा होता है कि पावर प्लांट चलाते हैं, कुछ मेगावाट बिजली वहाँ से हम उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। फिर वहाँ से उसको गैस को क्लीन करके चिमनी के थ्रू छोड़ दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे और अच्छे से आप देख रहे होंगे इसका डायग्राम जो है, ये पूरा रोटरी क्लेम है जो आपको अलग से कलर में दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो गियर दिया हुआ है, इसी गियर के थ्रू ना ये घूमता है, ठीक है। अभी मैं दिखाऊंगा, मोटर है, मोटर से ये गियर के थ्रू ये घूमता है। उसके बाद बीच बीच में देखो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, टायर लगा हुआ है। ये टायर एक्चुअल में सपोर्ट के लिए है, क्योंकि क्लेम बहुत बड़ा बहुत लंबा होता है, आजकल तो 100 मीटर के भी क्लेम आ गए हैं, तो उसको बीच में सपोर्ट देने के लिए ऐसे क्या होते हैं, टायर लगे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, ये वाला जो एरिया है वो चार्जिंग एंड है, इधर से हम चार्जिंग करते हैं, ठीक है। तो ये एरिया आपका चार्जिंग का है, तो जहाँ पे चार्जिंग करते हैं वो एरिया तो स्टेशनरी होता है, ठीक है, और इधर का एरिया क्या होता है, मूवेबल होता है, घूम रहा है। तो यहाँ पे आपको एक सीलिंग लगाना पड़ता है, क्योंकि इधर का जो एरिया क्या है, अभी स्टेशनरी है और इधर का एरिया घूम रहा है, मूव कर रहा है, तो वहाँ पे प्रॉपर सीलिंग करना ज़रूरी है। अगर सीलिंग प्रॉपर नहीं हुआ तो अंदर का जो गैसेस है वो बाहर लीक हो सकता है, ठीक है, और पॉइजनस गैस होता है, अगर बाहर लीक करेगा तो वो डेंजरस हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे एक और डायग्राम है, इधर देखो, इधर से हम क्या करते हैं, चार्जिंग करते हैं, ठीक है, चार्जिंग एंड है। यहाँ से मटेरियल धीरे धीरे करके इस साइड आता है, तो यहाँ तक जो आप कोयला जो फीड कर रहे हो ना वो टेम्परेचर मेंटेन करता है। इसके बाद कोयला जल जाता है, राख बच जाता है, तो इधर के लिए आपको बैक साइड से यहाँ से क्या करना पड़ता है, जो इंजेक्शन कोल इंजेक्शन देना पड़ता है, ठीक है। तो इधर का मेंटेन यहाँ से जो कोयला दोगे वो टेम्परेचर मेंटेन करता है। यहाँ पे देखो फ्लेम भी जैसे दिख रहा है ना, तो इधर से जो कोयला डालते हैं ना हवा के साथ, वो फ्लेम बन के इधर जलता है, ठीक है। अब ये जो पूरा DRI है ना, बाहर से पूरा स्टील का बना होता है, स्टील शेल होता है बाहर का, लेकिन अंदर में फायर ब्रिक्स की लाइनिंग होती है, किलन के अंदर आपका फायर ब्रिक्स की लाइनिंग लगी होती है, ठीक है। ये आपका एक्चुअल फ़ोटो है ना। अब इस किलन में क्या होता है ना, बीच बीच में हमको हवा सप्लाई करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि कोयले को जलने के लिए आप लोगों को ऑक्सीजन तो देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम हॉट ब्लास्ट वगैरह नहीं देते हैं, नॉर्मल हवा देते हैं। तो उसके लिए पूरे किलन में ना बहुत सारे जगह पे फ़ैन लगे होते हैं, जिसको SAF बोलते हैं, सेकेंडरी एयर फैन, ठीक है। ऐसे लगभग 7-8 जगह में फ़ैन लगे होते हैं, ठीक है। वो हाँ, फ़ैन से हवा को डायरेक्ट अंदर भेजा जाता है, ठीक है, जो बर्निंग के लिए जो आपकी हवा की ज़रूरत है उसको पूरा किया जाता है। तो ये एक्चुअल फ़ोटो है आपका DRI का, इस तरह से दिखता है DRI, ये लगातार रोटेट होता रहता है। ये देखो, ये आपका क्या है, गियर है, इसी के थ्रू आपका जो किलन है वो घूमता है, ठीक है। और उसको घुमाता कौन है, तो उसके लिए उपयोग होता है मोटर,
इसको KMD बोलते हैं, है ना, मेन ड्राइव किल्न मेन ड्राइव, ठीक है। तो ये मोटर से शाफ्ट में जाता है एनर्जी, फिर शाफ्ट से ये किस में जाता है, गियर बॉक्स में। तो ये गियर बॉक्स इसलिए दिया रहता है ताकि अगर आपको RPM कंट्रोल करना है, कम ज़्यादा करना है, तो गियर बॉक्स से आप RPM को कम ज़्यादा कर सकते हो किलन के, ठीक है। फिर यहीं से ही ये कहाँ जाता है, यहाँ पे गियर में जाता है, फिर यहाँ से ये रोटेट होता है। मेन ड्राइव के अलावा एक और एडिशनल ड्राइव भी दिया रहता है, मतलब दो मोटर होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए मेन ड्राइव अगर बीच में कभी ख़राब हो गया या मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ी, तो उस समय हम फर्नेस को तो बंद कर नहीं सकते, तो इसलिए एडिशनल ड्राइव भी होता है, ठीक है। जब मेन ड्राइव ख़राब हो जाता है तो एडिशनल ड्राइव का इस्तेमाल करके हम लोग फर्नेस को घुमाते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे दिया गया कन्वेयर बेल्ट, ठीक है। ऐसे बड़े बड़े कन्वेयर बेल्ट लगे होते हैं जिससे कि रॉ मटेरियल को भेजा जाता है फर्नेस के ऊपर। उसके बाद ये जो है हॉपर में जाता है, आपका जो रॉ मटेरियल हॉपर में जाता है, फिर हॉपर के थ्रू ये सीधा यहाँ पे किलन के अंदर जा रहा है। देखो ये नीचे किलन है, ये हॉपर है, हॉपर से किस में जा रहा है, रॉ मटेरियल किलन के अंदर जा रहा है। अब यहाँ पे देखो ये जो देख रहे हो ना वो सील है, सील मतलब ये जो पोर्शन है, इधर वाला पोर्शन जो आप जो राइट साइड का पोर्शन है वो स्टेशनरी है, और जिधर लेफ्ट साइड का पोर्शन है वो मूवेबल है, मतलब घूम रहा है। तो इसके बीच ये सील लगा रहता है, ठीक है। एयर प्रूफ सील है वो लगा होता है ताकि अंदर से जो गैसेस वो बाहर लीक ना करें, ठीक है। और यहाँ को ठंडा रखने के लिए यहाँ पे फ़ैन भी दिया रहता है, जनरली यहाँ पे हवा चलाया जाता है ताकि ये जो सील वाला एरिया है वो थोड़ा ठंडा रहे, है ना, लीकेज वगैरह मत हो। ये आपका ऐसा टायर लगा होता है, ये टायर एक्चुअली में घुमाने का काम नहीं करते, केवल सपोर्ट दे रहा है, ठीक है। ये जो किलन है इसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, इसको टायर बोलते हैं। इधर एक लगा है, इधर भी लगा होता है, दो ठो, ठीक है। तो ये केवल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, घूमता है तो ये भी इसके साथ साथ घूमता है, ठीक है। अब ये देखिए इस तरह से फ़ैन दिया रहता है, ठीक है। एक तरह से एक पंखा है, ठीक है, या बोल सकते हो ब्लोअर है। ये हवा को खींच के क्या करता है, किलन के अंदर भेजता है, ठीक है। तो ऐसे लगभग 7 से 8 फ़ैन लगे होते हैं। अब इस फ़ैन का बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि अगर हमको अंदर टेम्परेचर कंट्रोल करना है तो हमको उस फ़ैन से ही करना पड़ेगा। आप जितना ज़्यादा हवा भेजोगे ना उतना ज़्यादा अंदर टेम्परेचर जनरेट होगा, ठीक है। तो टेम्परेचर को कंट्रोल कहाँ से करना है, इसी से, ठीक है। यहाँ पे वॉल्व दिया रहता है, यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो कि कितना हवा आपको अंदर भेजना है, जितना टेम्परेचर रखना है उसके हिसाब से आपको हवा भेजना है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है कि अंदर आपको कंडीशन चेंज करना है, क्योंकि अंदर हमको रिड्यूसिंग कंडीशन बना के रखना है, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा हवा दे दोगे, ब्लास्ट दे दोगे, तो क्या होगा, अंदर ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन होना चालू हो जाएगा, या CO जो है CO2 में बनना चालू हो जाएगा। तो अंदर का जो एनवायरनमेंट है उसको भी फ़ैन से ही क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। मतलब सबसे मेन कंट्रोलिंग पैरामीटर यही होता है, जो फ़ैन होता है, जो बीच बीच में हम हवा भेजते हैं। यहाँ पे आपका थर्मामीटर भी लगा होता है, ठीक है, जहाँ से टेम्परेचर को लगातार मॉनिटर किया जाता है। ये आपका कोल इंजेक्शन जो है, हम बैक साइड से जो करते हैं ना डिस्चार्ज एंड से, इस तरह से रहता है, ठीक है। कोल इंजेक्शन काफ़ी बारीक होता है, छोटे साइज़ का होता है। इसको यहाँ से, ये जो एरिया आपको दिख रहा है ना, यहाँ से कोल इंजेक्शन करते हैं, हवा के साथ कोयले को भेजा जाता है और अंदर बर्न होता है। बर्न होता है तो बहुत बड़ा सा फ्लेम अंदर जनरेट होता है। अब ये होता है कूलर, ठीक है। डिस्चार्ज होने के बाद आपका जो स्पंज आयरन जो बन चुका होता है उसको यहाँ पे कूलर में भेजते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस बात का ध्यान रखा जाता है कि आपका जो वाटर है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आता है DRI के, ठीक है। वाटर अगर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आएगा तो ऑक्सीडाइज होने के चांसेस है, ठीक है, और ना ही हवा के कॉन्टैक्ट में आपको लाने देना। इसलिए देखो आपका जो मटेरियल है वो अंदर है, है ना, इस किलन के अभी भी इस कूलर के अंदर है, ठीक है। इसके बाहर हम क्या कर रहे हैं, वाटर से इसको ठंडा कर रहे हैं। तो ये इनडायरेक्ट कूलिंग होता है। यहाँ पे भी देखो वही हो रहा है, इनडायरेक्ट कूलिंग, ठीक है। अब इस वाले डायग्राम में थोड़ा सा देखो, ये वाला आपका किलन है, ठीक है। किलन से यहाँ पीछे से हम कोल सप्लाई कर रहे हैं, फिर ये कहाँ जा रहा है, कूलर में जा रहा है, ठीक है। ड्रम कूलर में जा रहा है, कूलर के बाद स्क्रीन में, है ना, स्क्रीन के बाद ये मैग्नेटिक सेपरेटर में जाता है, ठीक है। ये प्रोसेस है। अब जो गैसेस जो है ना, जो बाहर निकलती है, ठीक है, जो भी गैसेस जो बर्न हो रही है अंदर, तो गैसेस किधर से बाहर निकलती है, चार्जिंग साइट से ही, ठीक है। मतलब एक तरह से काउंटर करेंट प्रिंसिपल पे काम करता है। जो भी आपका चार्ज मटेरियल है ऊपर से नीचे आ रहा है, लेकिन जो भी गैसेस हैं वो है ना, वो नीचे से कहाँ जा रही है, ऊपर की ओर जाती है। मतलब काउंटर करेंट प्रिंसिपल पे ये भी काम करता है रोटरी किलन भी, है ना। तो यहाँ से जो गैस जो जा रही है, गैस जो यहाँ से बाहर निकलती है, आप उसको ऐसे ही बाहर चिमनी से बाहर नहीं भेज सकते, क्योंकि उसमें बहुत सारे अमाउंट में CO होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, जो कि जहरीली होती है, ठीक है। एक तो हवा में आप भेज दोगे तो ये जहरीली गैस आप हवा में भेज नहीं सकते। दूसरा क्या होता है, CO की वजह से इस गैस की कुछ कैलोरीफिक वैल्यू होती है, मतलब ये गैस जल सकता है। तो हम इसका
हीट का क्या कर लेते हैं, यूटिलाइजेशन कर लेते हैं। अब देखो यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे, तो उसके लिए इस गैस को क्या करते हैं ना, आप चैम्बर में भेजते हैं, आफ्टर बर्निंग चैम्बर जिसको बोलते हैं, एक बड़ा सा सिलेंड्रिकल चैम्बर होता है, वहाँ पे भेजा जाता है आफ्टर बर्निंग चैम्बर में गैस को, और वहाँ आपको हवा साथ साथ हवा को भी भेजा जाता है ताकि अंदर बर्न हो सके, ठीक है। तो यहाँ से जो गैस निकल रही है किलन से गैसेस, हवा के साथ अंदर में उसको जलाया जाता है। तो जलाने की वजह से क्या होता है, कंबशन चैम्बर में बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हो जाता है, तो वहाँ से जो हीट जनरेट हुआ ना, जो हॉट गैसेस है उसको फिर भेज दिया जाता है वेस्ट हीट बॉयलर में, ठीक है। वेस्ट हीट बॉयलर में भेजते हैं, बॉयलर से वहाँ से कुछ वहाँ से वाटर को वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर वहाँ से टरबाइन चलाया जाता है, टरबाइन से फिर बिजली उत्पन्न होती है, ठीक है। वहाँ से फिर गैस जो जनरेट होती है ना, उसको फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर से भेज देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के बाद वो चिमनी के थ्रू बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस फोटो में दिया गया है, ये आपका गैसेज जो बाहर निकल रही है किलन से, ठीक है। इस गैस को सीधा भेजा जाता है ये बर्निंग चैम्बर में, ये देखो जो सिलेंड्रिकल शेप का बड़ा बड़ा दिख रहा है ना, ये बर्निंग चैम्बर है। यहाँ हवा के हवा भी साथ में भेजते हैं और अंदर ले जाके उसको बर्न करते हैं गैसेज को। उसके बाद ये गैसेज जो हॉट गैसेज जनरेट हुई वो बॉयलर में जाता है। बॉयलर में क्या होता है ना, अंदर पाइप होती है, बहुत सारे पाइप होते हैं ऐसे, और उस पाइप के अंदर क्या होता है, हवा भरा होता है, ठीक है। तो ये जो बॉयलर के जो गर्म गैसेस इसके अंदर जाती है ना, तो पाइप के अंदर जो वाटर है ना, जो पाइप के अंदर जो पानी है, बॉयलर के अंदर जो पाइप है, पाइप के अंदर जो पानी है वो भाप बन जाती है। भाप बनने है ना, भाप बनने के बाद इसको हम भेज देते हैं टरबाइन पे, ठीक है। तो यही भाप क्या होता है, टरबाइन को घुमाता है और वहाँ से बिजली पैदा होती है, ठीक है। तो जो गैसेस है उसका हम यूटिलाइज कर लेते हैं। अब ये जो मैंने बताया ना आफ्टर बर्निंग चैम्बर, उस चैम्बर के ऊपर में ऐसा कैप लगा होता है ना, इसको बोलते हैं स्टॉक कैप, ठीक है। इस तरह से स्टॉक कैप लगा होता है, कभी कभी मान लीजिए प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो उस केस में उस कैप को खोल देते हैं। कैप को खोलने से जो भी गर्म गैसेस सीधे बाहर चली जाती है। इमरजेंसी के लिए लगाया जाता है, जनरली हमेशा यूज़ नहीं करते हैं। इमरजेंसी में कुछ मेंटेनेंस करना हो या कुछ प्रॉब्लम हुई तो स्टॉक गैस को खोल के सीधा गैसेस को हम बाहर भेज देते हैं, ठीक है। इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे ये लगा होता है हाइड्रोलिक सिस्टम से, अगर आपको हटाना है ना तो इसको आपको ये हटाना पड़ेगा, जो कैप लगा है उसके ऊपर जो रॉड दिख रहा है ना वो उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। चलिए तो हमने ये पूरा प्रोसेस देख लिया कि किलन कैसे काम करता है, किलन के अलग अलग पार्ट दिख लिए। अब हम मेन मेटलर्जी में आते हैं, ठीक है, कि रिडक्शन एक्चुअली में होता कैसे है, क्या क्या रिएक्शन अंदर में होते हैं। तो ये देखिए, ये आपका क्या है, आयरन ओर है, ठीक है। तो अज्यूम करो शुरू में आपके पास केवल क्या है, Fe2O3 है, आयरन ओर है, ठीक है। इसको हमने क्या किया, चार्ज किया। अब जो Fe2O3 है उसके साथ साथ हम कोल और डोलोमाइट भी डाल रहे हैं, तो जो कोयला है, जो कोल आप डाल रहे हो उसमें जो कार्बन है ना वो क्या होगा, बर्न होगा। बर्न होने से क्या बनता है, मेन कार्बन डाइऑक्साइड बनता है कंप्लीट बर्निंग से। अगर इनकम्प्लीट बर्निंग हुई तो वहाँ से क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, ठीक है। लेकिन हमारे लिए आपको पता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है ना वो भी कार्बन से रिएक्शन करके, इसको नॉर्मन रिवर्जन बोलते हैं, नॉर्मन रिवर्जन रिएक्शन बोलते हैं, ये क्या बनाता है आपका, CO बनाता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली अंदर में कौन सा कंडीशन होता है, रिड्यूसिंग कंडीशन, मतलब CO गैस की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये जो CO गैस है, जो रिड्यूसिंग गैस है, वो क्या करता है ना, आपका जो ओर है Fe2O3 उसके साथ रिएक्शन करता है। तो जो ओर होता है, ओर के ऊपर एक और लेयर होता है, गैस फिल्म का लेयर होता है, क्योंकि अंदर में गैसेस बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसके अंदर एक गैस फिल्म होती है, वहाँ से जो रिड्यूसिंग गैस है, गैस फिल्म से होते हुए आपका ओर के कॉन्टेक्ट में आती है, ठीक है। गैस फिल्म अभी भूल जाइए, मेन आपका ओर जो है ना Fe2O3 इसके कॉन्टेक्ट में आता है CO गैस, ठीक है। तो जब CO गैस इसके कॉन्टेक्ट में आता है तो ये रिएक्शन करते हैं Fe2O3 से, ठीक है। CO रिएक्शन कर लेगा और इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, Fe3O4 में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो पहला रिएक्शन ये होता है, ठीक है, Fe2O3 से क्या बन जाता है, Fe3O4 बन जाता है, ठीक है। अब फिर से जो Fe3O4 बना वो फिर से रिएक्शन करके क्या बनाता है, FeO बनाता है, ठीक है। फिर वो FeO से फिर क्या बनता है, अल्टीमेटली Fe बनता है। तो इस तरह से रिएक्शन होता है। एक्चुअली में आपका जो हेमेटाइट हो रहा है वो कैसे रहता है, Fe2O3, फिर ये इससे बनता है मैग्नेटाइट Fe3O4, फिर ये इससे बनता है FeO, ठीक है, वुस्टाइट, फिर उसके बाद आपको अल्टीमेटली क्या मिलता है, आयरन, ठीक है। और किलन के अंदर जो मेन टेम्परेचर जो होता है, ठीक है, अभी तक आपको नहीं बताया था मैंने, जो मेन टेम्परेचर किलन के अंदर होता है वो 950 से 1050 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, ठीक है। तो इस टेम्परेचर में ये सारे रिएक्शन होते हैं। तो यहाँ पे इस फोटो में देखो यही चीज़ बताया गया है, ठीक है। ये आपका ओर है मान लीजिए, ठीक है। तो इस ओर में कुछ समय बाद क्या हो जाता है, बीच में देखो अभी आपका Fe2O3 है जो मेन आपने डाला था, इसके ऊपर Fe3O4 है,
मतलब कुछ समय बाद क्या होता है, धीरे धीरे जब रिएक्शन होता है ना तो ओर का चेंज होने लगता है, जो Fe2O3 ऊपर में जो बना था सबसे पहले शुरुआत में अगर आप अज्यूम करोगे तो क्या रहा होगा, Fe2O3 रहा होगा पूरा। तो जब इस जब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इसके कांटेक्ट में आया तो इसको पहले इसमें किसमें कन्वर्ट किया, इसने Fe3O4 में कन्वर्ट किया, उसके बाद FeO में, फिर उसके बाद Fe में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो इस तरह से चलता है। तो अगर आप काइनेटिक्स देखोगे है ना, गैस का मूवमेंट देखोगे तो क्या होगा, पहला स्टेप क्या होगा, आपका जो गैस है, जो रिड्यूसिंग गैस है CO है, वो क्या करेगा, सबसे पहले गैस फिल्म से डिफ्यूज होते हुए किसके कांटेक्ट में आएगा, गैस फिल्म और ऐश से डिफ्यूज होते हुए पहले इसके कांटेक्ट में आएगा, Fe के कांटेक्ट में, उसके बाद ये अंदर फिर से डिफ्यूज करेगा, ठीक है, अंदर फिर से डिफ्यूज करेगा, कहाँ पे Fe में जाएगा, फिर Fe से रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करने के बाद इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, CO जो है CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये CO2 वापस से क्या करेगा, सरफेस में डिफ्यूज करेगा, सरफेस में डिफ्यूज होने के बाद ये फिर बाहर निकल जाएगा, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है, रिड्यूसिंग गैस आ रहा है, डिफ्यूज़ हो रहा है, उसके बाद रिएक्शन कर रहा है, फिर उसके बाद जो गैसेज जनरेट हो रही है CO2 गैस, वो बाहर निकल रहा है। तो ये टोटल प्रोसेस होता है, ठीक है। अगर स्टेप बोला जाएगा तो 5 स्टेप में पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। पहला आपका रिड्यूसिंग गैस जो CO और H2 है, H2 जनरली होता नहीं है, बहुत कम होता है, मेन आपका CO होता है, H2 भी कुछ कुछ अमाउंट में होता है थोड़ा बहुत। तो सबसे पहले आपका जो रिएक्टेंट गैस है वो सॉलिड इंटरफेस में आता है, ठीक है, उसके अंदर डिफ्यूज़ होते हैं अंदर, है ना, डिफ्यूज़ होता है। सेकेंड स्टेप थर्ड में क्या होता है, कुछ केमिकल रिएक्शन करते हैं, रिडक्शन रिएक्शन कर रहता है, रिडक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनते हैं CO2 और H2O, वो फिर से बाहर डिफ्यूज़ होता है, बाहर की ओर डिफ्यूज़ होता है, बाहर की ओर डिफ्यूज़ होने के बाद फिर सरफेस में आने के बाद फिर वो गैस में चला जाता है कार्बन डाइऑक्साइड वापस से, ठीक है। तो इस तरह से कुछ समय बाद आप देखोगे कि ये पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका Fe में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये वाला डायग्राम में भी सेम चीज़ आपको दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखो जो CO गैस है वो पहले अंदर जा रहा है, ठीक है, अंदर जाने के बाद जो ऑक्सीजन है उसको ले करके कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड फिर अंदर से बाहर की ओर डिफ्यूज़ हो रहा है, फिर बाहर से ये गैसेस में चला जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपका पूरा रिएक्शन होता है, ठीक है। तो देखो जो ओवरऑल जो रिएक्शन मैंने बताया ना, वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, एक तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि टेम्परेचर क्या है अंदर, दूसरा गैस के कॉम्पोजिशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। अंदर जो आप गैसेस है वो उसमें क्या है, देखिए ज़्यादातर जो किलन के अंदर गैसेस है उसमें मेन CO होना बहुत ज़रूरी है, प्रॉपर अमाउंट में CO होना चाहिए, ठीक है। थर्ड क्या है, साइज़ ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का साइज़ कितना है। आपने देखा होगा इस प्रोसेस में पार्टिकल का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, जैसे ब्लास्ट फर्नेस में हम 40 mm तक के साइज़ को हम चार्ज करते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम ज़्यादातर 16 mm तक होता है, ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा बड़े साइज़ का आप ओ डालोगे उतना मुश्किल होगा रिडक्शन, क्योंकि कम्प्लीटली सॉलिड बेस्ड है, है ना, और सॉलिड जो सॉलिड बेस्ड प्रोसेस होता है वहाँ पे रिड्यूसिंग गैस डिफ्यूज़ होकर अंदर जाती है, सॉलिड के अंदर डिफ्यूज़ होती है, तो अगर ज़्यादा बड़ा ओर रहेगा ना तो अंदर तक डिफ्यूज़ नहीं कर पाएगा, ठीक है, अंदर तक डिफ्यूज़ नहीं करेगा तो प्रॉपर रिडक्शन हो नहीं पाएगा, इसलिए यहाँ पर चार्ज मटेरियल छोटा ही रखते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो सॉलिड है उसके नेचर पे डिपेंड करता है। अब देख लेते हैं प्रोसेस कंट्रोल, ठीक है, ये जो पूरा प्रोसेस है किस चीज़ पे डिपेंड करता है, है ना, या कौन कौन से फैक्टर हैं जिसको हमको कंट्रोल करना पड़ता है किलन में। सबसे पहला है चार्ज मिक्स और रेट ऑफ चार्जिंग। तो मैंने बताया ना जो चार्जिंग, जो चार्ज मटेरियल उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, ठीक है, सबके बारे में मैंने बताया। तो अच्छी क्वालिटी का अगर आप जो है रॉ मटेरियल चार्ज करोगे तो आपको प्रोडक्ट भी अच्छी क्वालिटी का मिलेगा, ठीक है। दूसरा जो है वो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर प्रोफाइल किलन के अंदर क्या है, है ना। तो टेम्परेचर जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है ना किलन के अंदर वो 1050 है, इससे ज़्यादा टेम्परेचर जनरेट नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा टेम्परेचर जनरेट होगा मेटल फ्यूज़ होना चालू हो जाता है, जो ऐश होता है कोल के अंदर वो फ्यूज़ होना चालू हो जाता है, फ्यूज़ या थोड़ा बहुत मेल्ट हो जाता है, मेल्ट होने की वजह से किलन की दीवार में चिपकने लगता है, ठीक है। तो टेम्परेचर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। थर्ड जो फैक्टर होता है वो रेट एंड प्लेस ऑफ सेकेंडरी एयर सप्लाई। सेकेंडरी एयर सप्लाई किसको बोलते हैं, जो हम हवा के जो देते हैं ना फैन के थ्रू जो देते हैं उसको सेकेंडरी एयर सप्लाई बोलते हैं। प्राइमरी एयर सप्लाई जो हम डिस्चार्ज एंड से जो भेजते हैं ना, डिस्चार्ज साइड से हम क्या भेजते हैं, कोल और एयर का मिक्सचर भेजते हैं, उसको प्राइमरी एयर सप्लाई बोलते हैं। और बीच बीच में जो पंखे के से भेज रहे हैं जो फैन के थ्रू, उसको बोलते हैं सेकेंडरी एयर सप्लाई। तो उसका जो रेट और प्लेस बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, मतलब कितने रेट से आप दे रहे हो, क्योंकि वो मेन जो है टेम्परेचर डिसाइड करता है कि अंदर किलन के अंदर टेम्परेचर आपको कितना रखना है। ज़्यादा हवा दोगे तो ज़्यादा टेम्परेचर होगा, ठीक है। और प्लेस भी बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि एक प्रॉपर जगह पे वो फ़ैन को प्लेस करना पड़ता है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, ठीक है, क्योंकि जिस जगह पे वो फ़ैन होता है जनरली वहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा होता है।
ठीक है। और उस फैन के पास ही ना जनरली आपका थर्मोकपल लगा होता है, जहाँ से टेम्परेचर मॉनिटरिंग किया जाता है। फ़ैन के आसपास ही टेम्परेचर मॉनिटरिंग किया जाता है, क्योंकि वहीं पे मेन टेम्परेचर का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो वहाँ पे ये चेक किया जाता है कि टेम्परेचर की वैल्यू जो लिमिट है 1050 डिग्री सेल्सियस, इससे ऊपर नहीं जानी चाहिए। इसके अलावा गैस प्रेशर किलन के अंदर वो कितना है, ठीक है, किलन का रोटेशन स्पीड क्या है। देखो रोटेशन स्पीड जितना ज़्यादा होगा ना, रिटेंशन टाइम कम हो जाएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आरपीएम से रोटेट करेगा किलन, उतना जल्दी डिस्चार्ज होगा मटेरियल, ठीक है। तो एक प्रॉपर रिटेंशन टाइम, जिसको रेसिडेंस टाइम बोलते हैं, मटेरियल चार्जिंग से डिस्चार्जिंग तक जाने में जो जितना समय लेता है उसको रेसिडेंस टाइम बोलते हैं, ठीक है। वो प्रॉपर होना चाहिए, ना बहुत कम होना चाहिए ना ज़्यादा, है ना। अगर बहुत कम होगा रेसिडेंस टाइम तो प्रॉपर रिडक्शन नहीं हो पाएगा, और बहुत ज़्यादा होगा तो वो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर आपका और पहले से रिड्यूस हो चुका है तब भी वो किलन के अंदर है तो आपका क्या है, मतलब वेस्टेज है वो, क्योंकि ऑलरेडी रिडक्शन हो चुका है, ठीक है। तो किलन के रोटेशन को प्रॉपर स्पीड को मेंटेन किया जाता है, एक पर्टिकुलर स्पीड है ना को मेंटेन करते हैं। एग्जिट गैस टेम्परेचर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, DRI के एग्जिट टेम्परेचर क्या है। एग्जिट गैस टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा एग्जिट गैस टेम्परेचर, मतलब क्या है कि प्रॉपर हीट का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा कंपोजिशन क्या है, वेस्ट गैस का कंपोजिशन, वो भी बहुत मायने रखता है। अगर वेस्ट गैस में बहुत ज़्यादा अमाउंट में CO जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, अंदर में CO अच्छे से यूटिलाइज नहीं हो रहा है, ठीक है। जो प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए रिडक्शन के लिए, वो यूटिलाइज नहीं हो पा रहे हैं, तो प्रॉपर इसको चेक करना पड़ता है। इंक्लिनेशन, ये भी डिपेंड करता है कितना इंक्लाइन है किलन, किलन का जो इंक्लिनेशन है उसको भी कंट्रोल करते हैं, है ना। उसको कंट्रोल करने का रहता है मैकेनिज्म, ऐसा नहीं कि एक बार जो इंक्लिनेशन आपने दे दिया बाहर, ऐसा नहीं है, उसका इंक्लिनेशन आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो रेसिडेंस टाइम के हिसाब से इंक्लिनेशन को चेंज किया जाता है, आपको और को कितना समय तक किलन के अंदर रखना है। जितना ज़्यादा किलन वो होगा, इंक्लाइन होगा, झुका हुआ होगा, उतना जल्दी मटेरियल आपको डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कोल प्रोपोर्शन, इस पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। कोल प्रोपोर्शन आप कितना दे रहे हो, कोल चार्जिंग कितना दे रहे हो दोनों एंड से, एक तो चार्जिंग एंड से और एक डिस्चार्जिंग एंड से, ठीक है। तो कोयले का भी अमाउंट प्रॉपर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कोयला देके फ़ायदा नहीं है, और बहुत कम अमाउंट में कोयला दोगे तो क्या होगा, अंदर में जो हीट रिक्वायरमेंट है या जो टेम्परेचर आपको मेंटेन करना है वो मेंटेन नहीं हो पाएगा, ठीक है। इस तरह से मॉनिटरिंग किया जाता है, कंट्रोल रूम होता है, कंट्रोल रूम के अंदर ये पूरा मॉनिटरिंग किया जाता है। यहाँ पे देखो ये सेकेंडरी फैन लगे हुए, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ पे फैन लगे होते हैं, सेकेंडरी फैन। डिपेंड करता है, अगर ज़्यादा बड़ा फर्नेस है, किलन है, तो ज़्यादा फैन भी लगा होता है। तो इसी फैन के पास लगा होता है आपका थर्मोकपल, यहाँ से टेम्परेचर जनरली देखा जाता है। देखो ये क्या है, चार्जिंग एरिया है, इधर से चार्ज कर रहे हैं, तो देखो शुरू का टेम्परेचर थोड़ा कम है, 457 शुरू में, क्योंकि जिधर से चार्जिंग हो रही है, क्योंकि वहाँ पे कोयला अभी बर्न नहीं हुआ है। धीरे धीरे आगे जाता है वो बर्न होता है ना, तो टेम्परेचर बढ़ता है। देखो इसके बाद 867, 931, 940, 941 ऐसे टेम्परेचर क्या हो रहा है, इधर की ओर आगे की ओर बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ते जा रहा है। अब यहाँ पे देखो टेम्परेचर कहीं पे भी 1000 से ऊपर नहीं है, क्योंकि 1000 से ऊपर रखते ही नहीं है टेम्परेचर को ज़्यादातर कंडीशन में, है ना। ज़्यादा आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो क्या होगा, मटेरियल फ्यूज़ होगा, मेल्ट होगा, मेल्ट होकर किलन पे चिपकने लगेगा, ठीक है, पूरा मटेरियल आपका किलन पे चिपक जाएगा। तो इन सब को अवॉइड करने के लिए टेम्परेचर को 1000 के नीचे ही रखते हैं, ठीक है। तो इधर का टेम्परेचर लगातार कम हो रहा है, इधर टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हम पीछे से भी पल्वराइज्ड कोल इंजेक्ट कराते हैं, ठीक है। तो मेन यहाँ पे टेम्परेचर को मॉनिटर टाइम टाइम पे किया जाता है। अब देखते हैं कौन कौन सा प्रॉब्लम अराइज होता है किलन में, मेन क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, उसका सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। तो देखो सबसे मेन जो प्रॉब्लम होती है ना, सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम होती है वो एक्रिएशन फॉर्म होता है, ठीक है। एक्रिएशन फॉर्मेशन होता है, एक्रिएशन क्या होता है आपको सीधा मैं फोटो में दिखाता हूँ। इसमें देखिए आप, ये वाला किलन में देखिए, ठीक है, इसमें कोई एक्रिएशन नहीं है, मतलब कोई भी चीज़ चिपका हुआ नहीं है यहाँ पे प्रॉपरली। ईंट आपको दिखाई दे रही होगी, रिफ्रैक्ट्री लाइनिंग। और इस वाले फ़ोटो में देखिए, यहाँ पे देखो बहुत सारा रॉ मटेरियल जो इसमें पूरा किलन के अंदर चिपक गया है, ठीक है। इसी को बोलते हैं एक्रिएशन, ठीक है, या बिल्डअप फॉर्मेशन बोलते हैं। क्या होता है, अगर टेम्परेचर किसी पोर्शन में ज़्यादा हो गया, किसी पर्टिकुलर पोर्शन में टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, तो क्या होता है, जो कोल के अंदर जो ऐश होता है, ठीक है, और जो आयरन ओर में जो गैंग वगैरह होता है, ठीक है, वो क्या होता है, फ्यूज़ होने लगता है हाई टेम्परेचर के कारण, और फ्यूज़ हो के, है ना, थोड़ा बहुत मेल्ट होके किलन की दीवार पर चिपकने लगता है, ठीक है। तो ये किलन की दीवार में चिपकते चिपकते शुरू में कम चिपका, उसके बाद समय के साथ क्या होगा, वो बढ़ते जाएगा, ठीक है, वो मटेरियल ज़्यादा चिपकते जाएगा। इसको बोलते हैं एक्रिएशन फॉर्मेशन। अब अगर बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल जो इसके इसके में चिपक गया फर्नेस में, तो क्या करता है, ये प्रोडक्टिविटी को कम कर देता है, क्योंकि जितना ज़्यादा एक्रिएशन फॉर्म होगा, एक तो आपका जो डायमीटर है किलन का कम हो जाएगा, इफेक्टिव वॉल्यूम कम हो जाएगा,
ठीक है। और दूसरा क्या होगा, किलन में अगर बहुत ज़्यादा रॉ मेटल चिपक गया है तो जो रॉ मेटल ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है वो अटक जाएगा नीचे, ठीक है, प्रॉपरली वो नीचे आ नहीं पाएगा, ठीक है। अब प्रॉपरली नीचे नहीं आएगा तो प्रोडक्टिविटी आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी एक तो। दूसरा बैक प्रेशर भी मार सकता है वो, जैसे ये आपका रोटरी किलन है, इसमें मटेरियल रॉ मटेरियल ऐसे चिपक गया है, ठीक है, तो एक तो रॉ मटेरियल को उधर से आने नहीं देगा, दूसरा बैक प्रेशर भी क्रिएट करेगा, ठीक है, तो इसको अवॉइड करना होता है। तो मेन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है, ठीक है, यहाँ पे दिया भी गया है। अब मान लीजिए एक्रिएशन फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा मटेरियल अंदर जम गया, तो उस केस में आपको पूरा फर्नेस बंद करना पड़ता है, फर्नेस शट डाउन करके फिर उसको जो रॉक कटर होता है ना वहाँ से उसको पूरा काट के निकालना पड़ता है एक्रिएशन को, ठीक है, उससे रिफ्रैक्टरी भी बहुत ज़्यादा डैमेज होती है, फिर रिफ्रैक्टरी को रिपेयर करके पूरा हटा करके ना फिर से वापस से चालू करते हैं, तो बहुत ही टाइम टेकिंग होता है, ठीक है, प्रोडक्शन उसमें पूरा बंद हो जाता है ना। तो ये मेन ध्यान रखा जाता है कि एक्रिएशन फॉर्मेशन ना हो, ठीक है, अगर कहीं पर फॉर्म हो रहा है तो उसको प्रॉपर मॉनिटर किया जाए, टेम्परेचर कहीं पर ज़्यादा हो रहा है तो उसको कम मेंटेन किया जाए, ठीक है, तो इस तरह से हम उसको कम कर सकते हैं। इसके अलावा कई बार क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से एक तो फर्नेस की दीवार में चिपकते हैं, दूसरा क्या होता है ना, रॉ मटेरियल भी आपस में चिपक जाते हैं, ठीक है, रॉ मटेरियल आपस में चिपक के क्लस्टर बना लेते हैं। क्या होता है, जो रॉ मटेरियल आप डाल रहे हो, आयरन और कोक है, सॉरी कोल है, लाइम स्टोन, आपस में चिपकने लग जाते हैं फ्यूज़ होने की वजह से ऐसे, है ना, उसके बाद क्लस्टर बन जाता है इस तरह से, तो ये क्लस्टर बड़े बड़े क्लस्टर बन जाते हैं। अब जितना अगर क्लस्टर बनेगा तो प्रॉपर रिडक्शन उस केस में होता नहीं है, ठीक है। अब ये जो क्लस्टर है ना ऐसे कि ऐसे पूरा बाहर निकल जाता है डिस्चार्ज एंड से, उसका कोई रिडक्शन नहीं होता, तो इससे भी आपकी प्रोडक्टिविटी घट जाती है, ओके। अब नेक्स्ट इसमें प्रॉब्लम क्या आता है, एक सेग्रीगेशन का भी प्रॉब्लम आता है, चार्ज मटेरियल कई बार सेग्रीगेट हो जाता है ना, चार्ज मटेरियल क्योंकि आप अलग अलग साइज़ के चार्ज डाल रहे हो और सबका डेंसिटी अलग है, स्पेसिफिक ग्रेविटी अलग है, तो कई बार वो अलग अलग जगह पे सेग्रीगेट होने लगता है, ठीक है, वजन के हिसाब से। जनरली क्या होता है, जो बड़ा जो मटेरियल होता है वो ऊपर आ जाता है और जो छोटे छोटे मटेरियल है वो नीचे रह जाते हैं, तो इसको बोलते हैं सेग्रीगेशन। तो कहीं कहीं पर सेग्रीगेशन होने लगता है किलर के अंदर, तो उसको अवॉइड करना, उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं, प्रॉपर किलर डिज़ाइन से, ठीक है, जो किलन का डिज़ाइन है वो प्रॉपर होना चाहिए, इंक्लिनेशन प्रॉपर होना चाहिए, जो आरपीएम जो घूम रहा है वो सही से घूमना चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करके जो सेग्रीगेशन है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। और जो गैस का जो टेम्परेचर है, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ दिया गया है, जो फर्नेस के अंदर जो गैस है उसका टेम्परेचर और जो चार्ज आपने डाला है उसका जो टेम्परेचर का डिफरेंस ना 150 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, किसका टेम्परेचर, गैस का, जो किलन के अंदर गैस है और जो रॉ मटेरियल है जो चार्ज सॉलिड मटेरियल है उसके बीच का टेम्परेचर डिफरेंस 100 डिग्री सेल्सियस या 150 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये टेम्परेचर जितना बढ़ेगा, डिफरेंस जितना बढ़ेगा ना, एक्रिएशन या फ्यूज़ होने के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसी में होता है रिंग फॉर्मेशन जो है ना, जो एक्रिएशन जो मैंने बताया उसी का ही और ब्रॉड रूप है। मतलब क्या होता क्या है, जब एक्रिएशन होता है मतलब जब रॉ मटेरियल चिपकना चालू होता है दीवार पे, किलन की दीवार पे, तो कई बार क्या होता है ना, घूमने की वजह से वो पूरा दीवार में ऐसे रिंग फॉर्म कर देता है, ऐसे मतलब ये पूरे दीवार में ऐसे चिपकने लगता है, चिपकने की वजह से रिंग फॉर्म होता है, ठीक है, पूरा इसको रिंग फॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। एक्रिएशन अगर बहुत ज़्यादा होगा तो इस तरह से रिंग फॉर्मेशन होता है। अब ये रिंग फॉर्मेशन जो है ये और सबसे ज़्यादा ख़राब होता है क्योंकि वो मटेरियल को नीचे आने नहीं देता है पहला, ठीक है, दूसरा प्रॉपर रिडक्शन आपका होगा नहीं, ठीक है, उसका जो इफेक्टिव डायमीटर है आपका किलन का वो कम हो जाएगा, तो इस केस में तो प्रॉपर आपको पूरा वही करना पड़ता है, शट डाउन करके इसको जो बना है रिंग फॉर्म हुआ है उसको तोड़ना पड़ता है, उसके बाद ही आप रिस्टार्ट कर सकते हो किलन को, ठीक है। अब हम देख लेते हैं स्पंज आयरन का क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, मेटलर्जिकल प्रॉपर्टी। तो स्पंज आयरन का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी या डेंसिटी होता है वो 4.4 ग्राम पर सीसी से 7.8 ग्राम पर सीसी होता है, ठीक है। जनरली क्या होता है, जो आपका आयरन ओर होता है ना, आयरन ओर में जब हम ऑक्सीजन को निकाल देते हैं मतलब उसका रिडक्शन हो जाता है, उसके बाद 30% जो वेट है, 30% जो वेट होता है आयरन ओर का वो घट जाता है, ठीक है, और उसके जो वॉल्यूम है वो 54% घट जाता है, क्योंकि जो भी ऑक्सीजन था वो तो रिड्यूस होकर बाहर चला गया, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन बाहर जाने की वजह से हमको जो प्रोडक्ट मिलता है ना वो बहुत ही पोरस नेचर का होता है, ठीक है, क्योंकि अपने पास पहले क्या था, Fe2O3 था, अब इससे मैंने बीच बीच से ऑक्सीजन को पूरा निकाल दिया रिड्यूस करके, ठीक है, तो साइज़ तो वही रहेगा, मतलब
ठीक है, अगर बाहर से देखोगे ना तो उसका साइज़ तो वही रहेगा, बट अंदर में क्या होगा, पोरस होगा वो, ठीक है, अंदर क्या होगा वो पूरा पोरस होगा, इसलिए ज़्यादा पोरस होने की वजह से इसलिए हम उसको स्पंज आयरन बोलते हैं। बाहर से तो पोरोसिटी दिखेगी नहीं, बट माइक्रोस्कोप में बहुत सारी पोरोसिटी दिखती है, ठीक, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्पंज आयरन बोलते हैं। अब ये जो स्पंज आयरन होता है ना, इसमें कार्बन कंटेंट जो है कोल बेस्ड DRI में कार्बन कंटेंट बहुत कम होता है, 0.1 से 0.2% होता है, ठीक है, कार्बन कंटेंट काफ़ी कम होता है। हालांकि कार्बन कंटेंट जितना ज़्यादा होगा DRI को उतना अच्छा माना जाता है, ठीक है, उसका प्राइस उतना ज़्यादा होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा कार्बन होगा ना DRI में उसके भी ऑक्सीडाइज होने के चांस कम हो जाते हैं, ठीक है। जनरली जो स्पंज आयरन होता है उसका ऑक्सीडेशन होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो अगर उसमें प्रॉपर कार्बन होगा ना तो उसका रीऑक्सीडाइज नहीं होता है। उसके अलावा जब DRI को हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक फर्नेस में, वहाँ पर भी उसकी मेल्टिंग अच्छी होती है, तो कार्बन कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। हालांकि कोल बेस्ड DRI में 0.2 to 0.3% होता है। अगर आपको ज़्यादा कार्बन चाहिए तो वो गैस बेस्ड DRI प्रोसेस यूज़ करते हैं। गैस बेस्ड DRI में 2% तक कार्बन होता है, ठीक है, जो स्पंज आयरन बनते हैं उसमें। अब जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो रिमूव होता है उसको हम बोलते हैं परसेंटेज रिडक्शन, ठीक है, मतलब आयरन ओर के अंदर कितना ऑक्सीजन था, कितना ऑक्सीजन हमने उसको रिमूव कर दिया, ठीक है, जितना ऑक्सीजन हमने रिमूव किया वो उसका क्या होगा, परसेंटेज रिडक्शन कहलाता है। इसके अलावा एक और टर्म होता है डिग्री ऑफ मेटलाइजेशन। मेटलाइजेशन क्या होता है, परसेंटेज ऑफ आयरन इज ए पार्ट ऑफ होल आयरन, है ना, इसको हम बोलते हैं मेटलाइजेशन। मतलब आपका जो आयरन ओर है, आपका जो स्पंज आयरन है, ठीक है, मतलब क्या होता है कि जो DRI में जितना भी आयरन है होल आयरन, उसका कितना परसेंट आयरन जो है वो मेटालिक फॉर्म में है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अगर बोला जाता है कि 90% मेटलाइजेशन है, मतलब जो DRI में जो 90% जो आयरन है वो मेटालिक फॉर्म में है, और जो 10% जो एक्स्ट्रा बचा है वो ऑक्साइड के फॉर्म में है, मतलब 10% अभी रिड्यूस नहीं हुआ है, मतलब 90% ही रिड्यूस हुआ है, 10% अभी वो ऑक्साइड के फॉर्म में है, इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ मेटलाइजेशन, ठीक है। तो मेटलाइजेशन जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा होता है। ये कॉम्पोजिशन है आपका स्पंज आयरन का, देख सकते हो आप, कार्बन कॉम्पोजिशन 0.1% है, सबका कॉम्पोजिशन आपका दिया गया है, ठीक है। ये अलग अलग ओर का है, ए अलग ओर है, बी अलग ओर है, ठीक है। तो देखो कार्बन, ये वाला ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का जो भी दिया है ना, उसकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी, क्योंकि इसका डिग्री ऑफ मेटलाइजेशन भी ज़्यादा है और कार्बन कंटेंट भी ज़्यादा है, तो इस DRI को अच्छा माना जाता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं क्या क्या एडवांटेजेस हैं DRI के, ठीक है, DRI प्रोसेस के। तो पहला तो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि हमको कोकिंग कोल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, नॉन कोकिंग कोल से हमारा काम चल जाता है, जो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल है और बहुत सस्ता होता है, ठीक है। दूसरा एडवांटेज क्या है, सल्फ़र कंटेंट जो है DRI में काफ़ी कम होता है, ठीक है, क्योंकि क्या होता है ब्लास्ट फर्नेस में जो मेटल निकलता है उसमें सल्फ़र कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है, वहाँ पे सल्फ़र रिमूवल उतना अच्छा नहीं होता है, पूरा सल्फ़र क्या होता है आपका आयरन में आ जाता है। यहाँ पे हम जो डोलोमाइट डालते हैं ना वो सल्फ़र को कंट्रोल कर लेता है, तो सल्फ़र कम होता है DRI में। दूसरा क्या होता है, जो DRI है उसका हम कंटिन्यूस फीडिंग कर सकते हैं इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में, जो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस होता है ना, ठीक है, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस है उसमें हमको चार्ज करना होता है इसको DRI को, तो हम कंटिन्यूस फीडिंग कर सकते हैं, क्योंकि DRI काफ़ी छोटे साइज़ में है, तो एक छोटे से हॉपर के थ्रू हम इसको कंटिन्यूसली धीरे 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 डाल सकते हैं, ठीक है। बट जो स्क्रैप होता है उसको आप कंटिन्यूस चार्जिंग नहीं कर सकते, क्योंकि स्क्रैप जो है इरेगुलर साइज़ के स्क्रैप आता है, है ना, स्क्रैप को आपको क्या करना पड़ता है, एक ही साथ डालना पड़ता है, कंटिन्यूसली आप उसको नहीं डाल सकते क्योंकि इरेगुलर साइज़ का है, तो आपको एक ही बार डालना पड़ता है, तो उससे क्या होता है ना, फर्नेस लाइनिंग भी डैमेज होता है, ठीक है। बट DRI बहुत छोटे साइज़ का होता है, प्रॉपर साइज़ का होता है ना, तो उसे आप कंटिन्यूसली चार्ज कर सकते हो, है ना, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में भी और LD कन्वर्टर में आप कंटिन्यूसली उसको चार्ज कर सकते हो। इसके अलावा क्या है, स्पंज आयरन का एक और उपयोग है कि जो LD कन्वर्टर में जो स्क्रैप होता है उसको रिप्लेस कर देता है। आपको पता होगा कि LD कन्वर्टर में क्या होता है, लगभग 15 से 20% हमको सॉलिड चार्जिंग करना पड़ता है एज ए कूलेंट के लिए, ठीक है। अगर हम कूलेंट वहाँ नहीं डालेंगे तो LD कन्वर्टर का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, तो कूलेंट के लिए हम 15 से 20% सॉलिड चार्ज करते हैं, तो इसके लिए क्या होता है, जनरली स्क्रैप चार्ज किया जाता है, लेकिन कई सारे प्लांट के पास स्क्रैप की कमी पड़ जाती है, ठीक है, तो उस केस में DRI बहुत ही अच्छा विकल्प होता है, ठीक है, स्क्रैप नहीं है तो हम DRI चार्ज कर देते हैं। इसके अलावा कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है DRI प्लांट का एज़ कम्पेयर टू ब्लास्ट फर्नेस कम है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली होता है थोड़ा सा, ठीक है, इसमें पोल्यूशन ब्लास्ट फर्नेस के कम्पेयर में कम होता है, ठीक है, ईजियर प्रोसेस कंट्रोल होता है, प्रोसेस कंट्रोल करना काफ़ी आसान होता है, जैसे ब्लास्ट फर्नेस में प्रोसेस कंट्रोल काफ़ी मुश्किल होता है, ठीक है, वहाँ पर भी हमको मान लो टेम्परेचर घटाना है या बढ़ाना है
है ना, या कॉम्पोजिशन में कुछ चेंजेस लाने तो काफ़ी मुश्किल है, बट DRI में प्रोसेस कंट्रोल जो है एज कम्पेयर टू ब्लास्ट फर्नेस काफ़ी आसान होता है। ठीक है, तो ये सारे एडवांटेजेस हैं DRI के। अब कुछ डिसएडवांटेज भी है जिसकी वजह से हम आज भी 100% DRI पे नहीं आ पाए हैं, क्योंकि आज भी जो देखा जाए तो मेन जो प्रोडक्शन होता है वो PRM का ही प्रोडक्शन होता है ब्लास्ट फर्नेस से। DRI है बट काफ़ी कम है ब्लास्ट फर्नेस के कंपेयर में। तो उसका देखो क्या क्या डिसएडवांटेज है। पहला क्या है, प्रोडक्टिविटी बहुत कम होती है इसकी। ठीक है, DRI की प्रोडक्टिविटी जितने एरिया जो घेरता है उस हिसाब से देखा जाए तो प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम होती है ना। दूसरा क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होता है DRI का, क्योंकि DRI जल्दी रीऑक्सीडाइज हो जाता है तो उसको ट्रांसपोर्ट करते समय ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के समय भी कई बार रीऑक्सीडाइज हो जाता है ना। नेक्स्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थोड़ा सा ज़्यादा होता है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट तो कम है बट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थोड़ा ज़्यादा होता है DRI का। उसके बाद क्या है, हमको यहाँ से लिक्विड आयरन नहीं मिलता है। ठीक है, लिक्विड आयरन नहीं मिलता है इसलिए हमको इसको क्या करना पड़ता है, स्टील बनाने के लिए मेल्ट करना पड़ता है, और मेल्ट करने के लिए इलेक्ट्रिकल कंजप्शन होता है। ठीक है, कई सारे प्लांट ऐसे भी हैं जिसके पास हॉट मेटल नहीं है, तो वो क्या करते हैं ना, DRI से और स्क्रैप से मेटल बनाते हैं। ठीक है, तो उनको DRI है तो उसको क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी पड़ती है। ठीक है, और DRI जो प्रोडक्ट है उसमें कार्बन कंटेंट भी काफ़ी कम होता है। ठीक है, कार्बन कंटेंट कम होने की वजह से जब उसको आप मेल्टिंग करते हो ना तो वहाँ से कोई हीट एनर्जी हमको नहीं मिलती है, या कार्बन में DRI में कार्बन इंट्रोड्यूस कराने के लिए और कॉस्ट बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये सारे इसके क्या है, डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाए तो जो स्पंज आयरन प्रोडक्शन होता है कई मामलों में अभी भी पीछे है, बट कई मामलों में इसका अगर फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट देखा जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि समय के साथ क्या होगा, कोकिंग कोल की कमी होने लगेगी। ठीक है, अभी तो फॉरेन से आ रहा है, फॉरेन में जब कोकिंग कोल की कमी होने लगेगी तब हमको दूसरी तरफ शिफ्ट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आयरन प्रोडक्शन को बिना कोक के करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और इंडिया में बहुत अच्छे चांसेस है इसके, क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना नॉन कुकिंग कोल की कोई कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा डिपॉजिट है अपने यहाँ, तो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का ये पूरा वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।